स्वागत करता हूँ दोस्तों आपका मेरे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊँगा जिससे आप Redmi के फ़ोन्स ईजीली बाय कर सकते हैं, वो भी अपने Android फ़ोन से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप Redmi के फ़ोन ईजीली बाय कर सकते हैं, आपको अपने PC की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आपको कैसे बाय करना है, आपको कौन सा ऐप यूज़ करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, जैसा कि आप रेड आइकन देख रहे हैं, आप इस पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप आगे आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सकें, तो और हमसे जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आजकल Redmi के फ़ोन बहुत डिमांड में हैं और वो इजीली नहीं मिल पाते। क्यों नहीं मिल पाते? क्योंकि उसकी सेल आती है और वो कुछ सेकंड्स में ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इतनी देर में कोई ऑर्डर नहीं कर पाता, जिसके हाथ लग गया वो ऑर्डर कर लेता है, बाकी लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप Redmi के फ़ोन बाहर से ख़रीदते हैं तो जो दुकानदार होते हैं वो आपको 1000 या 1500 या 2000 रुपये महंगा देते हैं। तो हमें इतना महंगा क्यों लेना जबकि हम ऑर्डर कर सकते हैं? तो आज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाना है। जैसा कि आप अपने प्ले स्टोर पर गए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको एक ऐप का नेम सर्च करना है, फ्लैश सेल हेल्पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये आ चुका है, मैंने इसको ओपन किया, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करिए। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये कुछ इस तरह ओपन होगा और ये आपका फ़्लिपकार्ट पे लॉगिन मांगेगा। अगर आपका फ़्लिपकार्ट पे अकाउंट नहीं है तो फ़्लिपकार्ट पे अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको 3 लाइन दिख रही हैं ऊपर, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ़्लिपकार्ट लॉगिन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से फ़्लिपकार्ट का लॉगिन कर सकते हैं। देखिए ये मुझे फ़्लिपकार्ट के पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं अकाउंट में मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको करना ये है, आप फिर इस वाली 3 लाइन पे क्लिक करिए और आपको जो फ़ोन बाय करना है, जैसे रेडमी नोट 4 32 GB का है, रेडमी नोट 4 32 GB का गोल्ड है, तो अलग अलग वेराइटी के फ़ोन्स हैं, आपको जो पसंद करना है, जो बाय करना है आप वो पसंद करिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे को 64 GB डार्क ग्रे करना है तो मैंने इस पर क्लिक किया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये ऐप करेगा क्या, मुझे उस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया, सॉरी दोस्तों थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देखिए मैंने इस पे क्लिक किया। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो सॉरी शायद मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गई है। देखिए मैंने जैसे ही डार्क ग्रे पे क्लिक किया ये ऐप ने मुझे सेल पेज पे भेज दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये काम कैसे करेगा, तो मैं आपको बताता हूँ कि अब ये काम कैसे करेगा। जब आपकी सेल स्टार्ट होने वाली होगी उससे 5 से 10 मिनट पहले आपको ये पेज ओपन करना है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये पेज रिफ़्रेश हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही सेल स्टार्ट होगी ये आपका ऑटोमेटिकली कार्ट में आपका प्रोडक्ट ऐड कर देगा। आप देख रहे हैं ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा है, ये 1 सेकेंड में बहुत बार रिफ़्रेश होता है। तो ईज़िली आपका फ़ोन आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे आपका फ़ोन आपके कार्ट में ऐड होता है आपको करना ये है, आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसको एड्रेस डाल के उसको बाय कर लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा दोस्तों एड्रेस पहले ही डाल के रखें ताकि आप जल्दी से इसको बाय कर सकें। और ये स्क्रिप्ट ये काम करती है कि ये आपका ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड कर देती है बिना कोई दिक्कत के। ये 100% वर्किंग मेथड है दोस्तों, मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, मैंने खुद इससे ऑर्डर किया था। तो आप इसको यूज़ करिए और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा। और
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा, देखते रहिए मेरा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।